मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी मिश्रा। आज हम एनटीपीसी के लिए स्पेशल कुछ नए चीज़ लाए हैं। हालांकि एनटीपीसी या और भी एग्ज़ाम जो हैं उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, खासतौर से एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब के लिए भी, एसएससी सबके लिए। लेकिन ये हमारा वीडियो बेसिकली बनाया गया है एनटीपीसी के लिए, क्योंकि एनटीपीसी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हमने विशेष रूप से एनटीपीसी के लिए तैयार किया है और यह ऐसा टॉपिक है जहां से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हर साल और हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह क्या है, आप हम देखेंगे कि आज हम लाए हैं भारत में विशेष रूप से विभिन्न फसलों का जो उत्पादन है, ये एग्रीकल्चर का जो डाटा है वो 2017 का है। आपको बता दें कि जो हमारा 2018 का डाटा है अभी वह अनंतिम आंकड़ों के दौर से गुजर रहा है, यानी अभी फाइनल आंकड़ा उसका नहीं आया हुआ है। जो फाइनल आंकड़ा अभी तक हमें मिल चुका है वो मिला है 2017 का। तो ये एक तरीके से एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, एकदम लेटेस्ट ये डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें से दो या तीन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपकी थोड़े से ही टाइम में एक बेहतरीन तैयारी हम करवा देते हैं। किसके लिए, भारत में फसलों के उत्पादन के लिए एकदम लेटेस्ट डाटा लेकर आए हुए हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि हम पहला उत्पादन देखेंगे गेहूं का। गेहूं के उत्पादन में हमने तीन तीन करके रखा है कि तीन तीन जो उत्पादक है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन के उत्पादक जो है राज्य, उनको हमने रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गेहूं के उत्पादन से में एक दो तीन, यानी प्रथम से अंतिम की ओर या आरोही क्रम में इनके उत्पादकों के को व्यवस्थित कीजिए। ऐसा यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकें, इसलिए हमने तीन तीन उत्पादकों को लिया है, यानी नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। तो चलिए हम देखते हैं कि गेहूं के उत्पादन में इस समय भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नंबर एक पर है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि पंजाब अग्रणी है क्योंकि पंजाब में गेहूं स्पेशल बोया जाता है। नहीं, पंजाब उत्पादकता में आगे है। यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो पंजाब नंबर एक पर है, ये बात सही है, लेकिन यदि संपूर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो संपूर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। दूसरे नंबर पर हमारा है पंजाब। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। बहुत कम लोग जानते हैं कि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। तो नंबर एक उत्तर प्रदेश, नंबर दो पर पंजाब और नंबर तीन पर मध्य प्रदेश है। तो ये तो गेहूं का उत्पादन होगा, इसको याद कर रखिएगा। यहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को उठाया है। दूसरा है चावल उत्पादन का। चावल के उत्पादन में नंबर एक पर है पश्चिमी बंगाल। नंबर एक पर कौन है, पश्चिमी बंगाल। नंबर दो पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नंबर दो पर उत्तर प्रदेश और नंबर तीन पर आंध्र प्रदेश। तो चावल का उत्पादन आपको याद हो गया, नंबर एक पर पश्चिमी बंगाल, नंबर दो पर उत्तर प्रदेश और नंबर तीन पर आंध्र प्रदेश। अब आगे देखते हैं मक्का के उत्पादन को। मक्का के उत्पादन में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। मक्का के उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो मक्का का उत्पादन आप देख लीजिएगा, नंबर एक आंध्र प्रदेश, नंबर दो कर्नाटक, नंबर तीन महाराष्ट्र। मोटा अनाज, मोटा अनाज में आपको बता दें ज्वार आता है, बाजरा आता है और रागी आती है। इन तीनों फसलों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मोटा अनाज। मोटे अनाज में नंबर एक पर है राजस्थान, नंबर दो पर है कर्नाटक और नंबर तीन पर है आंध्र प्रदेश। नंबर एक पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तो ये है मोटे अनाज का उत्पादन और ये सारे उत्पादन लेटेस्ट हैं, यानी वर्ष 2017 के आंकड़े के अनुसार हम बता रहे हैं, क्योंकि फाइनल जो आंकड़े आए हैं वो 2017 के हैं, 2018 के आंकड़े अभी अनंतिम दौर में चल रहे हैं। अब आइए देखते हैं सरसों के उत्पादन को। तो सरसों का उत्पादन, सरसों के उत्पादन में नंबर एक पर है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान नंबर एक पर सरसों के उत्पादन में। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है और नंबर तीन पर है हरियाणा। तो सरसों के उत्पादन में राजस्थान नंबर एक, मध्य प्रदेश नंबर दो और राजस्थान नंबर तीन पर है। आगे देखते हैं दाल के उत्पादन में। पल्स का उत्पादन हमारे यहाँ थोड़ा कम होता जा रहा है, इसलिए दाल का उत्पादन अधिकतर क्वेश्चन दाल के उत्पादन से बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोग जागरूकता बढ़े इस क्वेश्चन के ही दृष्टिकोण से। तो हमने देखा कि कई एग्जाम में दाल का उत्पादन बराबर पूछ रहा है, रेगुलर पूछ रहा है, इसलिए दाल के उत्पादन को ध्यान में रखिएगा। दाल के उत्पादन में नंबर एक पर है मध्य प्रदेश, नंबर दो पर है राजस्थान और नंबर तीन पर है महाराष्ट्र। नंबर एक पर मध्य प्रदेश, नंबर दो पर राजस्थान और नंबर तीन पर महाराष्ट्र। आगे देखते हैं मूंगफली का उत्पादन। मूंगफली का उत्पादन जो है, आप जानते हैं कि मूंगफली कहाँ सबसे ज्यादा बोई जाती है, गुजरात में। जाहिर सी बात है कि नंबर एक पर कौन होगा,
गुजरात। मूंगफली के उत्पादन में नंबर एक पर गुजरात, नंबर दो पर राजस्थान और नंबर तीन पर तमिलनाडु। नंबर तीन पर तमिलनाडु। तो ये मूंगफली का उत्पादन हो गया गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। सोयाबीन का उत्पादन देखेंगे, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, आप जानते होंगे सोयाबीन का उत्पादन वहां सबसे अधिक। मध्य प्रदेश भारत का 50% जो सोयाबीन है वह अकेले उत्पादित करता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो नंबर एक पर क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। नंबर दो पर महाराष्ट्र और नंबर तीन पर राजस्थान। तो यह है सोयाबीन का उत्पादन। ठीक, सोयाबीन का भी उत्पादन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेगा। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न यानी जितना भी खाद्यान्न ये उत्पादित हो रहा है उस पूरे खाद्यान्न के उत्पादन में नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है, दूसरे नंबर पर है पंजाब और नंबर तीन पर है मध्य प्रदेश। यदि कुल खाद्यान्न के उत्पादन पूछेगा तो नंबर एक पर उत्तर प्रदेश, नंबर दो पर पंजाब और नंबर तीन पर मध्य प्रदेश आपको करना है। आइए आगे देखते हैं गन्ना का उत्पादन। गन्ने के उत्पादन में नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश। गन्ने का उत्पादन नंबर एक पर उत्तर प्रदेश, और गन्ने के साथ साथ चीनी का उत्पादन भी इस समय नंबर एक पर उत्तर प्रदेश कर रहा है। नंबर दो पर है महाराष्ट्र। नंबर दो पर गन्ने का उत्पादन कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। और नंबर तीन पर इस समय कर्नाटक हो गया है, पहले तमिलनाडु था लेकिन अब नंबर तीन पर कर्नाटक हो गया है। तो ये तो गन्ने का उत्पादन हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आइए देखते हैं कपास का उत्पादन। कपास के उत्पादन में नंबर एक पर है गुजरात, नंबर एक पर गुजरात, नंबर दो पर महाराष्ट्र और नंबर तीन पर आंध्र प्रदेश। ये वो क्षेत्र हैं जहां काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में स्पेशल किसकी खेती की जाती है? कपास की। इसीलिए कपास की जो उत्पादक देश हैं वही काली मिट्टी की एरिया वाले क्षेत्र हैं। नंबर एक पर गुजरात, महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश। जूट का उत्पादन देखिएगा, जूट के उत्पादन में नंबर एक पर है पश्चिमी बंगाल। नंबर एक पर क्या है? पश्चिमी बंगाल। नंबर दो पर है बिहार और नंबर तीन पर है असम। तो जूट का उत्पादन भारत दुनिया में भी सबसे ज्यादा कर रहा है। जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में तो जूट का की जो फैक्ट्रियां थी वो तो भारत में हो गई, और जो जूट का उत्पादन क्षेत्र था वो दरअसल बांग्लादेश में चला गया। इसीलिए भारत सरकार ने जूट उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन देकर के, और इस समय जूट उत्पादन में भारत न सिर्फ बांग्लादेश से आगे हो चुका है बल्कि दुनिया में नंबर एक पर पहुंच चुका है। तो जूट के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन इस समय जो कर रहा है वो कर रहा है पश्चिमी बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम हो गया। अब प्याज का उत्पादन, आलू और प्याज ये दोनों महत्वपूर्ण सब्जियां हैं भारत की, इसलिए प्याज का उत्पादन भी अक्सर पूछ लिया जाता है, और प्याज तो बहुत रुला भी देता है, कई कई बार सरकार भी गिरा देता है। तो आप ध्यान रखिएगा प्याज का उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है। प्याज के उत्पादन में दो हमारे राज्य हैं वो विशेष स्पेशलाइज हैं उत्पादन का, और दोनों राज्यों के यदि उत्पादन को मिला दें तो भारत का लगभग 40% प्याज केवल दो राज्य उत्पादित करते हैं, वो है महाराष्ट्र नंबर एक पर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्याज उत्पादन में नंबर एक पर स्थान है, और नंबर दो पर कौन सा है? कर्नाटक है। तो प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र कर्नाटक मिलकर लगभग 40% का उत्पादन इस समय अकेले कर रहे हैं। तीसरा देखेंगे अगला आलू का उत्पादन। आलू के उत्पादन में नंबर एक पर है उत्तर प्रदेश, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हाल में डाटा चेंज हुआ है, पहले नंबर एक पर पश्चिमी बंगाल था लेकिन 3-4 साल पहले उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर आ चुका है, इसलिए आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? अब उत्तर प्रदेश में, और दूसरा स्थान कहाँ है? पश्चिमी बंगाल का। ये तो आलू का उत्पादन हो गया। अगला देखिएगा तंबाकू का उत्पादन। तंबाकू के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राज्य है भारत का वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वह तंबाकू के उत्पादन में पहले भी प्रसिद्ध था, लगभग आधा तंबाकू भारत का अकेले आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है। इसके बाद नंबर दो पर गुजरात का स्थान आता है, और ये दोनों मिलकर लगभग 50% जो तंबाकू का उत्पादन भारत में होता है वो अकेले कर देते हैं, इसलिए नंबर एक पर आंध्र प्रदेश और नंबर दो पर गुजरात है। नारियल का उत्पादन, नारियल के उत्पादन में भी आंकड़ा चेंज हुआ है इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा चूंकि आंकड़े चेंज हुए हैं तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है, और करंट का क्वेश्चन बनेगा तो आप पूछे जाने की उसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए नारियल के उत्पादन को भी ध्यान में रखिएगा। नारियल के उत्पादन में अभी स्थान केरल का था नंबर एक पर, लेकिन 2017 का जो नया डाटा आया नारियल उत्पादन में, और नारियल उत्पादन में आपको बता दें तमिलनाडु नंबर एक पर पहुंच गया है। तमिलनाडु जो है नंबर एक पर पहुंच गया है, और दूसरा स्थान कर्नाटक ने ले लिया है,
और केरल इस मामले में अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये लेटेस्ट डाटा है और ये चूंकि नया डाटा है और करंट का भी एक तरीके का डाटा है, तो आप नारियल के उत्पादन को ध्यान में रखिएगा कि नारियल का उत्पादन इस समय नंबर एक पर कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है। आइए बढ़ते हैं काजू के उत्पादन में। काजू का भी उत्पादन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए काजू भी महत्वपूर्ण है। काजू के उत्पादन में नंबर एक पर महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पर इस समय आंध्र प्रदेश है। ये दोनों जो है राज्य काजू के उत्पादन में लगभग 50% का उत्पादन अकेले कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो काजू के उत्पादन में नंबर एक पर महाराष्ट्र और नंबर दो पर आंध्र प्रदेश है। फल के उत्पादन को देखेंगे, फल के उत्पादन में नंबर एक पर महाराष्ट्र है। फल का उत्पादन भी दो तीन बार हमने देखा है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में फल का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र पहले भी था, एक नया आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा पुराना ही चलाया रहा है कि महाराष्ट्र जो है नंबर एक पर है फल उत्पादन में। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है फल के उत्पादन में और तीसरे नंबर पर क्या है, गुजरात है। तो फल का उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन पर है। आगे बढ़ते हैं सब्जी के उत्पादन को देखते हैं। सब्जी के उत्पादन में नंबर एक पर है पश्चिमी बंगाल, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन पहले भी बंगाल ही करता था और प्रेजेंट टाइम में भी उसका ही नंबर एक पर स्थान बना हुआ है। नंबर दो पर इस समय उत्तर प्रदेश आ चुका है, नंबर दो पर सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आ चुका है और नंबर तीन पर बिहार है। तो ये हो गए सब्जी के तीन प्रमुख उत्पादक राज्य, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। मसाला उत्पादन में देखेंगे, मसाला उत्पादन में भी आंकड़ा बदला हुआ है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। मसाला तो ऐसे आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन केरल में होता था, ऐसा अमूमन पढ़ा होगा आपने, लेकिन अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो कुछ और बता रहा है। लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार गुजरात जो है मसाले के उत्पादन में नंबर एक पर आ चुका है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। इसलिए गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये तीनों मसाला के उत्पादन में नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन पर आ चुके हैं। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, इसलिए इस आंकड़े को भी, चूंकि आंकड़ा पहले अलग था, नया आंकड़ा दूसरा हो चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो चुका है। अगला देखेंगे चाय का उत्पादन। चाय का उत्पादन आप जानते हैं पहले से ही चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता था, आज भी नंबर एक पर असम बना हुआ है। तो नंबर एक पर असम हो गया, नंबर दो पर पश्चिमी बंगाल का उत्पादन करता है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल का जो दार्जिलिंग एरिया है वहां पर चाय के अच्छे अच्छे बागान हैं, बड़े बड़े बागान हैं जहां से चाय का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसलिए नंबर दो पर जो है चाय का उत्पादन कर रहा है वो पश्चिमी बंगाल है और नंबर तीन पर है तमिलनाडु। यानी असम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु ये चाय के तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं। कहवा का उत्पादन, कहवा जिसे हम कॉफी कहते हैं, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले भी नंबर एक पर बना हुआ था और आज भी नंबर एक पर बना हुआ है। कर्नाटक में एक पहाड़ी है बाबा बुद्धन, बाबा बुद्धन की पहाड़ी विशेष रूप से स्पेशलाइज है कहवा की खेती के लिए, यानी कॉफी की खेती के लिए। और कहवा की खेती कर्नाटक में पहले भी सबसे पहले हुई थी और शुरुआत भी कहवा की खेती की सबसे पहले कर्नाटक से हुई है और तब से लेकर आज तक कहवा के उत्पादन के मामले में कर्नाटक नंबर एक पर बना हुआ है। इसलिए कर्नाटक जो है नंबर एक पर है, दूसरा स्थान केरल का है और तीसरा तमिलनाडु का है। तो ये कहवा के तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं, कौन कौन, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो चाहे अदर कोई एग्जाम हो, स्पेशल हमने एनटीपीसी के लिए बनाया हुआ था कि एनटीपीसी के जो बच्चे हैं वो नया एग्जाम, चूंकि एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है इसलिए उनके लिए हम एक लेटेस्ट आंकड़ा लेकर आए हैं, एक लेटेस्ट डाटा देना चाहते हैं ताकि वो इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा इफेक्टिव होगा, अच्छे कमेंट दीजिएगा। हम इससे भी बेहतर हम खनिज उत्पादन भी लेकर आएंगे ताकि आपका हम अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करते रहें, उत्साह बढ़ेगा हमारा, तो निश्चित रूप से हम बेहतर देने की कोशिश करेंगे और बेहतर देने की कोशिश करेंगे तो आपका बेहतर भविष्य होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।